अक्सर बरसात के सीजन में आपने देखा होगा भिंडी की फसल कुछ इस तरीके से बर्बाद हो जाता है, जहाँ पे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और पत्ते के सिरा में पीलापन आ जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो येलो वेन मोजाइक वायरस के कारण होता है। इन्फेक्शन होने से पहले किसान अगर सही इलाज ना करे तो ये पूरे खेत में फैल जाता है और पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। इस वायरस का अटैक होने पर पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और फूल फल आना भी बंद हो जाता है। इस समस्या से जुड़ी कुछ बातें हैं जो अगर किसान ध्यान में रखेंगे तो ये समस्या कभी नहीं आएगी। ये वायरस ऑफ सीजन में ज़्यादातर आसपास देखे जाने वाले खरपतवार में रहते हैं, जैसे क्रोटोन्स पासिफ्लोरस, अगेराटम कोनिजोइडिस। ये सब खरपतवार किसान के खेत के आसपास हमेशा देखा जाता है। इन खरपतवार से रस चूसने के बाद सफ़ेद मक्खी जब भिंडी के पौधे का रस चूसता है तो वायरस का ट्रांसमिशन यानी संचारण हो जाता है। भिंडी के अलावा मोजाइक वायरस का प्रॉब्लम सेम में, बीन्स में, तंबाकू में, टमाटर में, खीरा में और कई फसल में देखा जाता है। तो इसलिए किसान को सबसे पहले वायरस को पना देने वाले खरपतवार को खेत से निकाल फेंकना होगा और दूर मिट्टी में गाड़ देना होगा। इसके अलावा खेत में सफ़ेद मक्खी सहित और रस चूसक कीट को कंट्रोल करने के लिए UPL का उलाला 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में यानी प्रति एकड़ लगभग 60 ग्राम डोज पे छिड़काव करना है। इसके अलावा बायर का मोमेंटो एनर्जी 20 से 25 ml प्रति लीटर में छिड़काव करना है, जिससे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। प्रिवेंशन में 10,000 ppm का नीम ऑयल, जिसमें एजाडिरेक्टिन होता है, वो 1.5 ml से 2 ml प्रति लीटर में स्प्रे करके इसका अच्छा रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा वायरस से ग्रसित प्लॉट में ऑर्गेनिक वायरसाइड जैसे ऑर्कॉन और भ्रीपाइन का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इसके इस्तेमाल के समय इसको किसी और दवा के साथ ना मिलाकर अकेला दवा को इस्तेमाल करना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। ये ऑर्गेनिक वायरसाइड कई वायरस को एक साथ कंट्रोल करने का क्षमता रखता है। इसके अलावा किसान को कोशिश करना है कि YVMB यानी येलो वेन मोजाइक वायरस टॉलरेंट या फिर रेसिस्टेंट बीज जैसे अर्का अनामिका, अर्का ओवाय या फिर लोकली अगर कोई अच्छा बीज मिले तो उसको लगाना चाहिए। इससे जुड़ी कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।